अग्रसर होते हुए और तिरंगे झंडे को सलामी पेश करते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स की छात्राएं स्वामी खेते हुए मंच के सामने से ऐतिहासिक रेत जिसका निरीक्षण करते हुए उनके साथ सेकंड इन कमांड जिसका नेतृत्व कर रही है जूनियर अंडर ऑफिसर प्रिया कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डिग्री कॉलेज बॉयज जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जूनियर अंडर ऑफिसर गौरव शर्मा त्रिकुटा शिक्षा निकेतन स्कूल रियासी के बच्चे को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए मेरे तिरंगे की जो ये शान है हर आंगन की खुशियाँ लाती है बेटियाँ कर्तव्य पथ पर अग्रसर जिसके कमांडर हैं आर्यन सिंह और एक ये आगाज में इंडियन रिजर्व पुलिस कमांडर हैं सोहम शर्मा और ट्रूप कमांडर हैं अभी संग्राम जिसकी कमांड करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अभी मंच से गुजरते हुए राजोश पैदा होते हैं इसी मिट्टी से सरफरोश लॉरेंस पब्लिक हाई स्कूल के बच्चे जिन्हान हाई स्कूल गैरमाड़ी इसके उपरांत झंडे को सलामी पेश करते हुए सो दैट दे रिमेन फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट दिवस का समारोह पूरे रियासी जिले में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कमांडर है रेहान भट्ट और फ्लैग कमांडर है सलामी मंच की ओर से गुजरता हुआ उत्साह है हाई स्कूल ग्राम के बच्चे महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा कदम है सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स रियासी का स्क्वाड जिनके फ्लैग कमांडर है मोनिका ठाकुर और ट्रूप कमांडर है गोगन ठाकुर जिसका नेतृत्व कर रहे हैं त्रिभुवन अप्रोच कमांडर हैं मयंक मंगोत्रा और फ्लैग कमांडर हैं दोनों सरकारी स्कूलों ने कल्चरल और मार्च पास्ट में पहला स्थान हासिल किया है सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परेड की सबसे खास बात हमारे इस ऐतिहासिक जिला में भी एक भव्य परेड का आयोजन हो रहा है मुख्य अतिथि के रूप में आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी के चेयरमैन हैं परेड कमांडर रंजीत सिंह राव श्री सराब सिंह नाथ तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर जीते और वर्तमान में आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं ये ऐतिहासिक परेड जिसका निरीक्षण करते हुए हेलो इस ऐतिहासिक मैदान पर ऊपर चढ़ा है उतरा अरे ये पुलिस के नौजवान एनसीसी कैडेट्स सर्वोच्च
जीरे मुश्किलों की फिक्र। आप 2010 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और मूलतः आप डोडा के रहने वाले हैं। उनके साथ सेकेंड इन कमांड सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह मनहास। आप 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और आप मूलतः जम्मू में रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्टाफ जिसकी कमांड कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नसीम अली। हमारे देश का तिरंगा आकाश में लहराता हुआ जैसे किसी नई दिशा की तलाश में हो, नई संभावना की तलाश में हो और एक नए आकाश में हो। इंडियन रिजर्व पुलिस रियासी का स्टाफ जिसकी कमांड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अबराज अहमद। सीआरपीएफ का स्कॉट जिसकी कमांड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बी। कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए ये पुलिस के नौजवान। एसटीसी तलवारा का स्कॉट जिसकी कमांड कर रहे हैं सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल श्री पुरुषोत्तम सिंह। हर एक दिल में हिंदुस्तान है, राष्ट्र के लिए मान सम्मान है। जम्मू कश्मीर होमगार्ड का दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राजव कौशल। तिरंगे को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए मेरे तिरंगे की जो ये शान है मेरे लिए सबसे बड़ा अभिमान है। कर्तव्य पथ पर एनसीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स की छात्राएं जिसका नेतृत्व कर रही है जूनियर अंडर ऑफिसर प्रिया। आसमान पर मेरे देश का नाम होगा सबकी जुबान पर। ऐसा ही जोश लिए हुए एनसीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जूनियर अंडर ऑफिसर गौरव शर्मा तिरंगे को सलामी देते हुए आम देश की शान देश की ऐसा जज्बा लिए आगे बढ़ रहे हैं एनसीसी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी के छात्र जिसका नेतृत्व कर रहे हैं गुजरते हुए। इसके उपरांत एनसीसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी का स्कॉट जिसके ट्रूप कमांडर हैं कैडेट निशु देवी मंच की ओर अग्रसर होते हुए और तिरंगे झंडे को सलामी पेश करते हुए। ठीक इसके पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज रियासी का स्कॉट मंच की ओर अग्रसर होते हुए इनके फ्लैग कमांडर हैं मनदीप मीनिया और ट्रूप कमांडर हैं अर्जुन राजपूत तिरंगे झंडे को सलामी पेश करते हुए। ठीक इसके पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स रियासी का स्कॉट मंच की ओर अग्रसर होते हुए सुंदर सुंदर पोशाकों से सुसज्जित हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स रियासी का स्कॉट जिनके फ्लैग कमांडर हैं मोनिका ठाकुर और ट्रूप कमांडर हैं गोगुन ठाकुर। इसके उपरांत गुरुकुल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी का स्कॉट मंच की ओर अग्रसर होते हुए इनके फ्लैग कमांडर हैं सोहम शर्मा और ट्रूप कमांडर हैं अभि संग्राम। गुरुकुल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी मंच के सामने से गुजरते हुए और तिरंगे को सलामी पेश करते हुए। सर्द सुबह है लेकिन जन जन के मन में उमंग है उत्साह है। हाई स्कूल ग्रांड के बच्चे सलामी मंच की ओर से गुजरते हुए जिनके कमांडर हैं शशि बाला और फ्लैग कमांडर हैं नुसरत चौधरी। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह का सुंदर और मनोरम आयोजन स्थल हमारे रियासी की यह सजी धजी परेड ग्राउंड। हाई स्कूल कैमल डंगा सलामी मंच की ओर से गुजरता हुआ जिसके कमांडर हैं शिवम रसियाल और फ्लैग कमांडर भारत सिंह। हाई स्कूल गैरमाड़ी जिसके कमांडर हैं जय राजपूत और फ्लैग कमांडर हैं किरण सिंह। फहराए तिरंगा अंबर में माता भानी परिधान रहे जब तक चमके सूरज थे यही गुनगुनाते और कदमों से कदम मिलाते हुए प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल रियासी के बच्चे सलामी मंच की ओर से गुजरते हुए जिनके कमांडर हैं रेहान भट्ट और फ्लैग कमांडर हैं शिवालय शर्मा। सूरज की गर्मी
निकेतन स्कूल रियासी के बच्चे, जिनके कमांडर हैं नीरज परिहार और फ्लैग कमांडर हैं रेहान मलिक। जिंदगी की मुश्किलें तो सुर हैं, लय हैं, गीत हैं, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। कालका अकेडमी रियासी के बच्चे, जिनकी कमांडर हैं मयंक मंगोत्रा और फ्लैग कमांडर हैं समद खजूरिया। जर्रे जर्रे में छुआ है हौसले वालों का जोश, पैदा होते हैं इसी मिट्टी से सरफरोश। यही गुनगुनाते हुए भारतीय विद्या मंदिर सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, जिनके कमांडर हैं हरिओम उपाध्याय और फ्लैग कमांडर हैं विवेक कोतवाल। लॉरेंस पब्लिक हाई स्कूल के बच्चे, जिसके कमांडर हैं आर्य नगोत्रा और फ्लैग कमांडर हैं भारत भूषण सिंह, तिरंगे को सलामी देते हुए सलामी मंच से गुजरते हुए। हिंदुस्तान हमारा है, ये शान हमारी है, ऐसे ही कुछ जोश के साथ गैलेक्सी एकेडमी रियासी के बच्चे कर्तव्य पथ पर अग्रसर, जिसके कमांडर हैं आर्यन सिंह, फ्लैग कमांडर हैं सुजन शर्मा। कंधे से कंधा मिलाए हुए, कदमों से कदम मिलाए हुए, मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंगवर्दी का, इस बैंड का दस्ता कर्तव्य पथ पर अग्रसर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एसआई विजय कुमार। सलामी देते हुए मूल रूप से रियासी जिला के वन विभाग के लिए अपने अनुरूप अपने अनुसार तैयार किया है। तो सबसे पहले हमारे साथ यानी दिव्यांगों को जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है, उन्हें भी 1,000 प्रतिमा दिया जाता है। रियासी की 30,000 ग्रामीण औरतें और 3100 सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा कदम है। फूड सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट और बैंक क्रेडिट का 60 करोड़ दिया गया है, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। परीक्षा पे चर्चा, इसमें बच्चों को एग्जाम के दिनों में होने वाली स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज विभाग भी है, एग्रीकल्चर विभाग, जिसकी कुछ स्कीम्स हैं, जैसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अनुसार 29 प्रोजेक्ट्स पे ये जिला रियासी भी एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत 5,00,000 का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इसमें आभा कार्ड्स बनाए जाते हैं, डिजिटल हेल्थ अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, सरोवर और तालाबों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा हर परिवार को घर देना, बैक टू विलेज जैसे कार्यक्रमों द्वारा गाँव की ओर रुख करना। द स्टूडेंट्स कैन मेक देयर करियर इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। All to participate in games and sports so that they remain physically fit, mentally alert and socially well adjusted. Thank you. मिट्टी की खुशबू से होती है बेटियां, मिट्टी की खुशबू से होती है बेटियां, प्यार और समर्पण सिखाती है बेटियां। बचपन है बेटियां, जवानी है बेटियां, रियासी की हमारे प्रांगण में अपना नृत्य लेकर आ रही हैं और ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, इस प्रस्तुति के माध्यम से ये हमें विकसित भारत की बहुत ही टीम से अवगत कराएंगे। गोविंद गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी की छात्राएं अपनी पेशकश दिए प्रांगण में।
भारत अज साड़ा इन्ना विकसित हो पाया है ते इस बड़ी गै सोहनी आइटम लई मारो भी जोर कन्ने तालियां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सैकेंडरी स्कूल रियासी लई। ऐसा लग सकता है आम तौर उपर इसी देवी देवताएं की इज्जत मान देने कितै ते उन्हें गी खुश करने कितै किया जाता है ते पेश है भी तुंदे अगे लोग नाच कुड जेका कि पेश किया जा रहा है बॉयज हाई सैकेंडरी स्कूल रियासी की तरफ। जोरदार तालियां कन्ने स्वागत करो। रियासी के स्पोर्ट्स स्टेडियम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस का समारोह धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मार्च पास में पहला दूसरा और तीसरा स्थान लेने वालों का नाम घोषित किया जाएगा। मार्च पास में तीसरा स्थान पाया है गर्ल्स हाई स्कूल दिए। दूसरा स्थान पाने वाला स्कूल है त्रिकुटा Thank you.
हमारे आज की झांकी को आज की हमारी आरडीडी डिपार्टमेंट की झांकी की देखरेख इन्हीं के देखरेख में हुई पूरी। एक बार जोरदार तालियां सोशल वेलफेयर ऑफिसर श्री सुमित सूरी जी और उनके साथ उनकी टीम, इन्होंने भी अपनी टीम आज अपनी झांकी की। उसके बाद आज हमने 75वें गणतंत्र दिवस का यहाँ पे समारोह उसका हिस्सा बने हैं। सभी रियासी जिला के वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व मुबारकबाद। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश 75वें गणतंत्र दिवस पर आज तरक्की के उस ऊंचे शिखर पे पहुंच गया है कि हमें 2047 तक इसको और विकसित और एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हम सब इसमें योगदान जो है उसमें हमें देना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रियासी ज़िला में ये मुख्य परेड है और रियासी के बाकी सब डिविजन्स पे और हर एक स्कूल में आज के इस पवित्र दिन को मनाया गया। हमने अपने जितने भी ज्ञात और अज्ञात सेनानी थे उनका यहाँ पर स्मरण किया है। हम समझते हैं कि भारत की तरह ही हमारा रियासी ज़िला भी एक बहुत सारे डाइवर्सिटीज का एक खूबसूरत नमूना है। सभी धर्मों के, सभी जात पात के और सभी एरिया प्रांत के लोग इस ज़िले में बड़े खुश असलूबी से और बहुत ही एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत खलूस से रहते हैं। तो यही संदेश आज पूरे भारतवर्ष को और हमारे रियासी ज़िला के वासियों को है कि हम इसी तरह से अपना योगदान देते रहें, इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ मिल के इत्तफाक से अपना जो 100% हमें देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जितने भी आप मीडिया बंधु इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला रियासी की जो पुलिस और सिविल इंतजामिया ने इतना बढ़िया इंतजाम हर लिहाज से, चाहे इसकी सेलिब्रेशन का हो, चाहे पूरे ज़िले में सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे उनका हो, सभी को, जितने भी यहाँ पे आपके दर्शक देख रहे हैं, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रियासी क्या पूरा भारतवर्ष, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ हर घर तिरंगा से इस वक्त सजाया ना गया हो। और हमारी सरकार ने, आपने देखा कि पहले रिस्ट्रिक्टेड इसकी सेलिब्रेशन और इसकी फ्लैग जो था लगाने की इजाज़त थी, लेकिन अब हर कोई तिरंगे को फहरा सकता है, अपने घरों पे, निजी घरों पे भी और सरकारी इमारतों पे भी फहरा सकता है, अपनी गाड़ियों पे भी हम सजा के लगा सकते हैं। लेकिन न सिर्फ ख्याल ये रहे कि तिरंगे की सम्मान जो है, तिरंगे का जो सेंक्टिटी है उसको बरकरार रखते हुए आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हर घर में ये आज के दिन तिरंगा जो है वो बड़ी शान के साथ स्वेच्छा से, ये नहीं है कि कोई फोर्सिबली किसी को कह रहा, अपनी इच्छा से लोग लहराते हैं। और यही हम समझते हैं कि हमारा एक भारतवर्ष जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है और एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस का समारोह पूरे रियासी जिले में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रियासी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ देर पहले ही कार्यक्रम खत्म हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन सराब सिंह नाग मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और उन्हीं ने यहां पर ध्वजारोहण किया है। आपको बता दें कि कल्चरल प्रोग्राम में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी की लड़कियों ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही मार्च पास में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी के विद्यार्थियों ने पहला स्थान हासिल किया है। दोनों सरकारी स्कूलों ने कल्चरल और मार्च पास्ट में पहला स्थान हासिल किया है। धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का समारोह रियासी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में और पूरे जिले भर में मनाया गया है। अच्छी खासी तादाद में लोग भी यहां पे मौजूद थे और इस राष्ट्रीय पर्व का गवाह बने हैं।